ऑप्टिमस, वो सबसे पहले मुझे ही देखते हैं। यीशु मुझसे ऐसे बात करते हैं जैसे पिता पुत्र से। तुम दोनों गलत हो, मैं हूँ यीशु का सबसे लाडला। पतरस, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम क्यों सोचते हो कि तुम यीशु के लिए महत्वपूर्ण हो? इस दुनिया में अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, फिर भी उन्हें लोगों का मित्र कहा जाता है। पर तुम लोग ऐसे ना होना। जो तुम लोगों में सबसे बड़ा है वो खुद को सबसे छोटा समझे, और जो प्रधान है वो सेवक के समान बने। क्योंकि सबसे बड़ा कौन है? वो जो भोजन के लिए बैठा है, या वो जो सेवा करता है? क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर तुम्हारे बीच नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं, ताकि तुम मेरी मेज पर खाओ पियो मेरे राज्य में, और तुम सिंहासनों पर बैठोगे और इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं, और समझ में नहीं। सही कह रहे हैं। क्या कहते हो? शिमोन, शिमोन, पक्के रूप में शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान भटके। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तेरा मन फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हे प्रभु, मैं आपके साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। पतरस, कल सुबह मुर्गे की बांग देने से पहले तू 3 बार इनकार करेगा कि तू मुझे जानता भी है। ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुबह होजाना गा होजाना, ये वचन है सुबह होजाना गा होजाना, ये वचन है सुबह। मैं कह रहा था कि मेरी इच्छा है कि स्कूल खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे कोई पिकअप खेल में शामिल हो जाऊं। क्वांटम, हमारे गेम्स बाय इनविटेशन ओनली। तो हर कोई ये बात जानता है, मुझे इनवाइट के लिए क्या करना होगा? हम तुम्हारे जैसे लड़के के साथ नहीं खेलते क्वांटम, तुम छोटे हो और कुछ खास नहीं। ओ, मुझे नहीं पता, मैंने सुना है क्वांटम के पास एक छोटा सा जंप शॉट है। हाँ, छोटा सा। मुझे नहीं छू सकते, बाजी मेरी है। सावधान, आ रहा है। ये देखो, इसे मैं कहता हूँ क्वांटम कॉर्कस्क्रू। ये बात फिर से करके दिखाओ तो माने ये बाय चांस नहीं हुआ। मैं इसे नींद में भी मार सकता हूँ। क्रिस, क्रिस, तुम विश्वास नहीं करोगे, मुझे चेस क्लब का प्रेसिडेंट चुना गया है। अरे सच में, चेस क्लब? ओह माय गॉश, मैं तो प्रेसिडेंट बन गई। क्वांटम, तुम इस शतरंज के कीड़े को जानते हो? पहले कभी नहीं देखा। तुम ये देखो यार। क्रिस, कम ऑन, देखा? ओह वाह, बढ़िया। तुम गेम में आ सकते हो क्रिस। ओह, रिवर पार्क में मिलते हैं। यस। ओ क्रिस, मैं घर से तुम्हारे एथलेटिक शूज लाया हूँ जैसा तुमने कहा था। मैं अब वैली व्यू के सबसे जबरदस्त लड़कों के साथ हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ क्रिस, पर जॉय को क्या हो गया? क्रिस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जॉय, उन लड़कों को शतरंज का खेल बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम्हें तो और पता है ये कि... दिखाना कि तुम मुझे नहीं जानते, ये ठीक है? जॉय, तुम्हें पता है I'm your friend। ऐसा सोचती थी। जॉय, जॉय, सुपरबुक। ओह नहीं, फिर से नहीं, सुपरबुक का सफर अभी नहीं। मैं तुम्हें क्षमा करने का सामर्थ्य दिखाने वाला हूं। हट जाओ रास्ते से, हटाओ, किनारे हो जाओ, किनारे, चलो जल्दी ले चलो। ओह
मेरे यार, जब मैं पहुंचने ही वाला था तो हाँ? क्या चल रहा है? रास्ते से हट जाओ। मैं कहता हूँ मशाल थामे हुए उस व्यक्ति की बात सुनो। प्रवेश द्वार खोलो, हम यीशु को कैफा के सामने पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। चल क्या रहा है? ये आदमी यीशु नासरी बहुत ज्यादा प्रकोप मचा रहा है। ये दावा कर रहा है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। महायाजक काइफा उसके भविष्य का फैसला करेंगे। हमें क्रिस्त तक पहुंचना चाहिए। अंदर चलो। हे, रुको। योहन्ना, क्या कर रहे हो? क्रिस्त! पत्रस, जल्दी करो। योहन्ना, कृपया मेरे मित्र को अंदर आने दो। पत्रस, मेरे साथ आओ। योहन्ना, ये सब बुरी तरह से बिगड़ रहा है। जल्दी करो, ये देरी करने का समय नहीं है। मेरी बात तो सुनो। यीशु ने स्वयं को गिरफ्तार होने दिया। तुमने उन्हें रोकने की कोशिश की? शायद वो नहीं चाहते थे कि चीजें इस तरह से। वो क्या चाहते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ गलत हो रहा है। यीशु राजा कैसे बनेंगे? उन्हें जिस प्रजा का नेतृत्व करना है उसी प्रजा के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। पत्रस, याद करो कि यीशु ने क्या कहा था। हमें चलना चाहिए, मेरे पीछे आओ। गिज़्मो, तुम क्या कर रहे हो? क्रिस वहाँ पर शायद मुसीबत में है। शायद स्कैन कैम से मैं उसे ढूंढ सकूं। उसे भूल जाओ गिज़्मो। अगर उसे मेरे साथ नहीं रहना तो मुझे भी नहीं रहना। क्या लगता है काइफा इस यीशु नासरी का क्या करेगा? उसे उसकी सजा मिलेगी और उसके साथ उसके चेलों को भी। तू भी यीशु गलीली के साथ था। मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। मैं शपथ खाता हूँ, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। तू पक्का उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझ पर श्राप आ जाए। मैं उसे नहीं जानता। कल सुबह मुर्गे की बांग देने से पहले तू 3 बार इनकार करेगा कि तू मुझे जानता भी। प्रिटोरियम कह रहे हैं ताकि पिलातुस हाकिम नामक एक आदमी उनका अभी न्याय करेगा। वो व्यक्ति कौन है? वो पत्रस हैं। उसके साथ क्या परेशानी है? वो शायद दुखी हैं क्योंकि वो उनके दोस्त यीशु को ले जा रहे हैं। तो अब हम कहाँ हैं गेस? हम गलील के समुद्र तट पर पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है कि सुपर बुक हमें ले आए हैं लगभग समय में 3 हफ्ते आगे। हमें जल्दी से घर जाना चाहिए, नहीं तो मैं स्कूल के सबसे कूल लड़कों के साथ नहीं खेल पाऊंगा।
वो खास नहीं है। गेस बिनाकुलर्स देना प्लीज। क्या कहा तुमने? गेस बिनाकुलर्स देना प्लीज। नहीं, उससे पहले तुमने कहा वो कूल नहीं है। तुम्हें नहीं पता जॉय, स्कूल में किसी से भी पूछ लो। मुझे एक साल लगा ये साबित करने के लिए कि मैं उनमें शामिल होने के लायक हूँ, और अब मैं शामिल हूँ, और अब मैं बनूंगा एकदम साधारण। क्या? रुको, मैंने तुम्हें बताया था जॉय, अगर मैंने कहा कि मैं चेस क्लब के प्रेसिडेंट का दोस्त हूँ तो वो मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे पता है? ठीक है, जॉय मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं भी नहीं रहना चाहता। मैं अपने क्वांटम कॉर्कस्क्रू पर अभ्यास करता हूँ जब तक हम वापस नहीं जाते। गेज, बास्केटबॉल मोड। क्रिस, उन स्कूल के लड़कों के मुकाबले जॉय तुम्हारी काफी पुरानी दोस्त है। तो जॉय के साथ मैं उसका दोस्त रहूंगा और उन लोगों के साथ उनका। उन्हें एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं। हाँ? हाय, मैं जॉय और मैं। एक मिनट, आप पत्रस है ना? आप यीशु के साथ थे काइफा के घर पर। हम सब यीशु के चेले हैं, या कहें कि हम थे। क्या मतलब है आपका थे से? ये बताओ, अगर तुम काइफा के घर पर थे तो तुम्हें कैसे नहीं पता यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया? उनकी मृत्यु के बाद हम सब डरे हुए थे। ज्यादातर चेले रोमियों से या भीड़ से छिप गए, बाकी सब लोग भाग गए। लेकिन फिर सबसे महान चमत्कार हुआ, यीशु मृत्यु से जी उठे। क्या? मुझे याद है, मेरा मतलब अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? वो हमसे मिलने कई बार आए पर वो काफी अलग लगे। मैंने उन्हें देखा और यकीन नहीं हुआ कि वो वही थे। अपनी उंगली यहां लाओ और मेरे हाथों को देखो, मेरे बगल में हाथ डालो और मेरे घाव को महसूस करो। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनो। मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। ये अद्भुत है। मैंने क्यों उन पर संदेह किया? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। हम भी आते हैं। वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा है। वो किस लिए? उसने यीशु को जानने के बाद से भी इनकार किया। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। छोटी नाव लेती हूँ। मुझे नहीं लगता क्रिस मेरे साथ रहना चाहता है। पतरस, उस रात जब यीशु को बंदी बनाया गया, मैं समझता हूँ आपने क्यों कहा कि आप उन्हें नहीं जानते। मेरा मतलब, वो आपको बंदी बना सकते थे। किसे पता उस रात को हर कोई क्या सोच रहा था? आपको अपनी रक्षा करनी थी, है ना? यीशु जानते थे कि शैतान मेरी परीक्षा करने वाला था और मैं नाकाम हुआ। तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए क्रिस, क्योंकि शैतान गरजने वाले सिंह के समान खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए।
मैं इस प्रदेश की सोनार से जांच कर रहा हूँ। शायद इन लोगों को दूसरी जगह चले जाना चाहिए, यहाँ बिल्कुल मछलियाँ नहीं है। मेरे ख्याल से उन्होंने इस बात को पहले ही भाप लिया है। गिज, ढूंढते रहो। सुप्रभात। हाँ? कौन है? आवाज दे रहा है? क्या तुमने कुछ पकड़ा? नहीं, हमने एक भी मछली नहीं पकड़ी। अपने जाल नाव की दाहिनी तरफ डालो और तुम्हें मिल जाएंगी। वो किस बारे में बात कर रहा है? सारी रात मछली पकड़ रहे थे, पर शायद हम लोग नाव की गलत दिशा में पकड़ रहे थे। पर इसमें खोने को कुछ नहीं है। उन्हें क्यों ऐसे लगता है कि इससे काम बन जाएगा? मैंने सारी रात सोनार लगाए रखा और यहाँ बिल्कुल भी मछलियाँ नहीं हैं। ये सच्चाई है। गिज़्मो, देखो ये कितनी भारी है। क्रिस को ले आओ। जॉय, अगर तुम क्रिस के साथ नहीं रहना चाहती तो तुम्हें क्यों लगता है कि क्रिस हमारे साथ है? पत्रस, वो यीशु है। क्या? गुरुजी। गुरुजी, वो मैंने ये वो जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लाओ। कहता हूँ, जिस तरह से जॉय ने तुम्हें डूबने से बचाया वो काफी बड़ी बात थी, है ना? लगता है यीशु पत्रस पर गुस्सा नहीं है, जो अच्छी बात है, विशेषतः जो कुछ हुआ उसके बाद। यकीनन ये ठीक है, क्योंकि पत्रस को काफी पछतावा भी हुआ था। हाँ, अगर हम उनकी तरह होते तो कितना अच्छा होता ना, क्षमा करना और सब कुछ, है ना? बिल्कुल, यीशु उनको कभी दुख नहीं देंगे जो उनकी परवाह करते हैं। मेरे ख्याल से इसीलिए वो यीशु हैं और हम हैं। प्रभु, शमौन, योहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, आप तो जानते हैं मैं आपसे प्रीति रखता हूं। तो फिर जा मेरे मेमनों को चरा। शमौन, योहन्ना के पुत्र,
क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? हाँ प्रभु, आप जानते हैं मैं आपसे प्रीति रखता हूं। तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। शमौन, युहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हे प्रभु, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं। आप ये जानते हैं कि मैं आपसे प्रीति रखता हूं। तो मेरी भेड़ों को चरा और मेरे पीछे चल। पतरस ने यीशु को 3 बार इनकार किया, इसीलिए यीशु उन्हें 3 बार स्थापित कर रहे हैं। जॉय, मैं सुपरबुक। जॉय, मैं कहना चाहता हूँ, देखो मैंने गलती की है। कई बार लोग गलतियाँ करते हैं, वो दबाव में आ जाते हैं या डरते हैं, क्या स्वार्थी हो जाते हैं, पर ज्यादातर डरते हैं। मुझे उन लड़कों के सामने तुम्हें पहचानने से इनकार नहीं करना चाहिए था जॉय। मैं मानता हूँ, I'm sorry। मैंने तुम्हें क्षमा किया क्रिस, और I'm sorry अगर मैंने ओवर रिएक्ट किया थोड़ा सा। हे क्वांटम, तुम हमारे साथ खेलोगे या नहीं? तुम जानते हो मैं नहीं खेलूंगा। नो, मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हो? सबसे बढ़िया बात हुई है, जॉय को चेस क्लब का प्रेसिडेंट बनाया गया है। मैं सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। शेफ और मात, खेल खत्म, फिर मिलेंगे। वैसे भी जब गिज़्मो का पेट शॉट मौजूद है तो क्वांटम के कॉर्कस्क्रू किसे चाहिए। जीवन